अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो बाकी कैंडिडेट्स की निस्बत रिलेटिवली मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था, क्योंकि मैंने राइट आफ्टर बीए ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था. तो होता है ऐसे कि हमारी इतनी एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा ना हो तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स. तो मेरे लिए भी ऐसा ही था. मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी और इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा था, तो उस चीज़ पर मैंने बहुत काम किया था. और जब मैंने नोवा ज्वाइन की थी, आई वॉज़ नॉट इवन 21, और कुछ माह बाद जब मैं 21 की हो गई थी तो आई रियलाइज्ड कि हाँ, मैं ज़रा बेहतर तैयारी जो है वो शुरू कर देती. तो ये भी एक चीज़ थी. और थ्रू आउट 2021 तैयारी मेरी जारी रही थी. और जब एमपीटी आया था, तो एमपीटी आने के बाद एक देर वॉज एन एम्पल टाइम, दोबारा से अगर बेहतर था मेरे लिए कि इस टाइम को मैं यूटिलाइज करती और जो चीज़ें रह गई थी उनको दोबारा से मैंने किया, जो नहीं कर सकी थी पहले और जो पहले कर चुकी थी उसको दोबारा रिवाइज़ किया. तो इस तरह से मुझे तकरीबन तकरीबन 1.5 साल लग गया था सीएसएस की तैयारी में. और मई में हमारे पेपर हुए थे. 9th क्लास में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैंने सोच लिया था कि मैंने करना है. हुआ ये था कि 9th क्लास में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पूरे स्कूल में मैंने टॉप किया अपनी क्लास में. तो मेरे जो फादर थे वो बहुत खुश थे उस वक्त. तो तब उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मेरी बेटी या बेटा कोई भी अफसर लग जाए. इस तरह से मुझे एक होता है, सब पेरेंट्स को होता है अपने बच्चों को लेकर. तो मेरे लिए भी उन्होंने एक ख्वाहिश जो थी वो देखी थी. उसके बाद मैट्रिक में ही डाइड. तो उनकी डेथ के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आप फोकस के साथ और उस ख्वाहिश को ज़्यादा बेहतर लेकर चलने की तरफ जाते हो. तो मेरे मामले में भी ये था. फिर ये था कि उस वक्त मैंने सोच लिया था, इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे टीचर ने एक दफ़ा मेरे से पूछा था कि क्या करना है. तो मैंने कहा आई वांट टू बिकम असिस्टेंट कमिश्नर. ये बात मुझे अभी भी याद है, क्लास में ऐसे हुआ था. तो फिर वो चलते रहे चलते रहे. उसके बाद जब दिमाग में सोचा होता है कि आपने यही करना है, तो फिर आप वही करते हो. कहते हैं जब आप रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो तो फिर रास्ता खुद ही जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है. तो मेरे लिए भी यही एक मेरे 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 साथ भी ऐसा ही मामला हुआ था. तो ये एक चीज़ है मेरे अगर देखा जाए तो. इंटर के बाद अगर मैं कहूँ कि मैं प्राइवेट पढ़ी हूँ तो ऐसा ही है. और अगर मैं प्राइवेट पढ़ के अगर मैं ये कहूँ कि मेरा कमरा और मेरा घर जो था वही मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो अगर मैं कर सकती हूँ इस तरह से, तो फिर कोई भी कर सकता है. एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो मैटर नहीं करता. ये चीज़ मैटर करती है कि आप अपने गोल को लेकर कितने डिटरमिन हो. जब व्हेन आई स्टार्टेड आई हार्डली न्यू एनी थिंग. देर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माई माइंड. ऐसा भी था कि देर वर लाइक अ सेंटेंस डेट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ. इट वॉज कॉन्टिन्यूसली यू नो डांसिंग इन माई माइंड लाइक बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बटरफ्लाइज. तो ये भी एक चीज़ थी. तो ये जो एबनॉर्मेलिटी होती है, डर होता है, खौफ होता है, ये बहुत ही नॉर्मल होता है. तो खौफ जो है वैसे भी सिर्फ एक ख्याल होता है, ये कोई हकीकत नहीं होती है. तो इस चीज़ को अपने दिल से जो है वो निकाल कर इस चीज़ की तरफ आना चाहिए. तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हेल्प करते हैं. जब आप डिटर्मिंड होते हो, आपको पता होता है आपने क्या करना है. हाँ, जब आपको पता हो कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, और आपको अगर किसी रास्ते पर अल्लाह ने लगा दिया है तो वो किसी वजह से लगाया है, तो तमाम शकूक और शबहात को अपने दिल से निकाल कर इस चीज़ की तरफ जाना चाहिए. और ऐसे की जहाँ तक हम बात करें, तो ऐसे इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे बहुत टफ होता है. और मेरा जो पहला ऐसे था वो फेल हुआ था, उसके बाद दूसरा भी फेल हुआ था. तो वो इस चीज़ की तरफ, इसका तरीका ये होता है कि आप जो है लिखना शुरू कर दें. बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते ही नहीं हैं. वो लिखने की उनके अंदर ये डर होता है कि हम लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा या ऐसा कुछ. इस डर को, खौफ को दिल से निकाल कर एक दफ़ा लिखो तो सही. मतलब लिखना शुरू करो, खुद से अपने जो एनालिसिस तुम लोगों का है उसको लिखो. जैसे जैसे आप लिखना शुरू करते हैं, लिखते हैं लिखते हैं, एवेल्यूशन करवाते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. अगर मेरे मामले में देखा जाए तो नोवा में सर मंजर थे, उन्होंने बहुत हेल्प की थी मेरी, बहुत ज़्यादा. अगर मैं कहूँ कि मेरा ऐसे पास ही उनकी वजह से हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है. और बस कॉन्स्टेंटली आप जो है इवेल्यूएट करवाते रहे चीज़ों को. और ऐसे जो है वो कोई रिजिड चीज़ नहीं है. अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ऐसे वाले दिन, जिस दिन पेपर था उस दिन मैंने अखबार में जो पढ़ा था तो मैंने कोट भी किया था उसको. तो ऐसे जो है वहाँ पर आपने बैठ कर अपना उस वक्त उसी टाइम बैठ के बनाना होता है. तो अपने ऊपर यकीन करके, अपना जो है दिमाग को हाजिर रख के वहाँ पर आपने बैठ के एक अच्छा सा जो टॉपिक है इसको चूज़ करना है. ज़ाहरी बात है 10 टॉपिक है, कोई एक तो ऐसा टॉपिक होगा जिस पर आप लिख सकें, जिस पर आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, तो उस टॉपिक को चूज़ करें केयरफुली और उस पर लिखना शुरू करें.
अटैम्प्ट में फेल नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं हुआ. लेकिन ये है कि आप जब आप सीएसएच की तैयारी कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन करवा रहे, तो तब फेल हुआ था, तो वो बहुत बुरा फेल हुआ था, तो वो मुझे भी याद है. तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, दोबारा लिखो, टीचर्स को चेक करवाओ, दोबारा चेक करवाओ. इवन के जो मेरा आखिरी ऐसे जो मैंने लिखा था उसमें मेरे 50 समथिंग नंबर थे. तो एक आप 17-18 से आप 50 तक आते हो, तो एक मेहनत होती है आपकी और बड़ा कुछ आपने सीखा होता है. जैसे जैसे आप ऑप्शनल्स पढ़ते हो, कंपलसरीज पढ़ते हो, तो आपका नॉलेज बेस जो है वो उतना इन्हेंस होता जाता है, तो आपको चीज़ों की समझ जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाती है. तो एक टाइम आता है कि आप बेहतर ऐसे लिख सकते हो. अगर मैं अपनी बात करूँ तो अपनी इंग्लिश को मैंने बहुत बेहतर करने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा. मैंने तकरीबन 4 से 5 किताबें इंग्लिश की पढ़ी थी उस दौरान. तो एक्सप्रेशन मेरा खुद ब खुद बेहतर हो गया था. और आपको जब आप उस चीज़ से गुजरते हो, आप रीडिंग करते हो, तो आपको पता लग जाता है कि करेक्शन कहाँ पर आपने करनी है. जैसे एक सेंटेंस है, करेक्शन का सेंटेंस, तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ गलत लग रहा होता है, आप खुद आइडेंटिफाई कर लेते हो. तो इंग्लिश के साथ आपकी एक तारुफ़ या एक्वेंटेंस जो है वो होनी चाहिए, और वो हमेशा रीडिंग के साथ आती है. जितनी आपकी रीडिंग बेहतर होगी उतना ही पेपर आपके लिए ईजी होगा. मैंने एक नोवेल से स्टार्ट किया था, एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, और भी काफ़ी किताबें पढ़ी, और उसके बाद हम ओपिनियंस पढ़ते रहते हैं, एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं, तो इंग्लिश जो है आपकी बेहतर होती जाती है. और प्रेसी की जहाँ तक बात है, तो प्रेसी जो है वो कभी मुझे उसने टेंशन नहीं दी, बिल्कुल कभी भी नहीं. प्रेसी जो है वो मेरी बड़ी आसान रही थी, उसकी टेंशन ही लेनी चाहिए. वो एक आप मतलब आप एक पैराग्राफ है, आपने उसको पढ़ना है, उसको एक तलखीस सी करनी है, आपने उसको शॉर्ट एंड करना है, तो वो मुश्किल है ही नहीं. तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस अच्छी तरह से पढ़ें और उसमें से निकाल लें, आप एक शॉर्ट पैराग्राफ तो बना ही सकते हैं. अच्छा, इस्लामियात में एक क्वेश्चन था, करंट प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज और उनके सोल्यूशंस बताएं. मुझे लगता है कि जिस बंदे ने या बंदी ने अखबार पढ़ा है, उसने इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ी है, उसके लिए मुश्किल ही नहीं है कि उसको पता ना हो कि इस वक्त इस्लामी ममालिक की क्या चल रही है मसले मसाइल. तो मेरा ख्याल है कि इस्लामियात की बुक के अंदर ये इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी आपको. इस्लामियात का बिल्कुल बड़ा ही डाइवर्स होता है, और उसकी जो नॉलेज है करंट सिचुएशन से भी रिलेटेड पूछी जा सकती है. तो मैंने क्या किया था, मैंने उस सवाल को अटैम्प्ट किया, मुझे लगता है कि जैसे वो मैं करंट अफेयर्स का पेपर कर रही थी, वो इस तरह से एक मैंने सवाल किया था. और वहाँ पर मैंने जो उन्होंने सोल्यूशंस मांगी हुई थी, उन सोल्यूशंस को करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करके आई मेंशन बशार उल असद ऑफ सीरिया एंड ऑल दीज पर्सनैलिटीज़. तो वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो इस्लामियात का पेपर है, और वहाँ पर मैप्स भी बनाए, वो सारा कुछ हुआ. तो मुझे लगता है कि इस्लामियात के पेपर को लेके बड़ा ही आपको न्यूट्रल व्यू रखना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि आप एक बिल्कुल वो कट्टर मौलवी की तरह तैयारी करो इस्लामियात की. इस्लामियात के पेपर बड़ा ही एक मॉडरेट ओरिएंटेड हो सकता है अगर आप उसकी इस तरह से तैयारी करो. करंट अफेयर्स के मुझे मेरे टीचर्स ने कहा कि आप जो है खाली अखबार भी पढ़ लोगे ना तो आपको करंट अफेयर्स हो जाए. और ऐसा था, मैंने हर रोज़ अखबार पढ़ा है, और सारा शुरू में सारा पढ़ा है, तकरीबन ऐसी न्यूज़ भी पढ़ी जो पढ़नी चाहिए ही नहीं आपको. फिर एक टाइम आता है आपको पता लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है और ये ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप उसको पढ़ते हो उसको नहीं पढ़ते. तो मैंने पहला पेज सारा और इंटरनेशनल जो होता है वो सारा पढ़ा. उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है, शुरू शुरू में नहीं पता होता. जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाते हो तो आपकी वैसे वैसे एक नॉलेज बेस तैयार होती है, और आपका एनालिसिस करने का एक तरीका जो होता है वो बेहतर हो जाता है. तो मेरे मामले में भी यही था, मैंने करंट अफेयर्स की कोई किताब नहीं ली, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा था, और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा था, मैंने एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं तो फिर उनको भी टाइम देना होता है. हमारी ओरिएंटेशन होती है पहले जब हम आते हैं एकेडमी में, नोवा में भी हुई थी, तो उसने बहुत हेल्प किया था. स्कोरिंग कौन सा है, कौन सा टारगेट हो रहा है, कौन सा नंबर कम देता है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका बैकग्राउंड ना हो तो भी किया जा सकता है, तो ये एक ओरिएंटेशन ने बड़ी हेल्प की थी. पॉलिटिकल साइंस मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरा ये एक प्लान था कि सीएसएस की तैयारी के दौरान ही मैं इसमें मास्टर्स भी कर लूँगी, तो उसने बड़ी हेल्प की थी मुझे, साथ साथ मास्टर्स भी किया था और साथ साथ इस सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ा भी था. उसके बाद मुझे किसी ने कहा था कि आप यूएसए हिस्ट्री ना रखें क्योंकि आप पंजाब से हैं, तो पहले मुझे लगा शायद पंजाब के कैंडिडेट्स को यूएस हिस्ट्री नहीं रखने दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं था. मुझे उसने कहा था कि इसलिए ना रखो क्योंकि ये नंबर कम देते हैं, तो लेकिन मैंने रख ली क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, सिंपल. तो जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट रखो, और जिस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको अच्छा लग रहा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको मज़ा आ रहा है वो सब्जेक्ट आप रखो. मेरे पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर, आई थिंक इट इज़ 149 और 150,
मुझे कंफर्म नहीं पता अभी, 149 आई थिंक. तो उसमें अच्छे नंबर होने का की वजह ये है कि मैंने साथ साथ उसमें मास्टर्स भी किया था और उसको मैंने बड़ा ही डाइवर्स वे में लेके चली थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी मैप्स बनाए थे. जब प्लेटो और सोक्रेटिस का एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने वहाँ पे ग्रीस का और थ्रेस का और मैसिडोनिया, ये सारे मैप्स वहाँ पर बनाए थे. अमूमन ये लोग नहीं बनाते, वो बड़ा मुश्किल सा मैप होता है, बड़ा अजीब सा था आप बनाते हो वहाँ पर सारा. तो लेकिन ये कि उसको मैंने सीखा और मैंने उसको बनाया भी था अपने पेपर में. तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस से भी आप उसको डाइवर्सिफाई करके उसको बड़ा नया अंदाज में अगर पेश करो तो उसमें नंबर आपके अच्छे आएंगे. और इसके अलावा मेरे पंजाबी में नंबर अच्छे हैं और जनरल स्टडीज में नंबर. जब मैंने शुरू में पढ़ी थी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, पढ़ने से वो समझ नहीं आती जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, आपका उसमें एक फ्लो नहीं बनेगा पंजाबी में. तो उसको लिख कर मैंने जब किया है तैयार तो वो बहुत अच्छा तैयार हो गया. और पंजाबी में नंबर अच्छे आते हैं. जब मेरा पंजाबी का पेपर हुआ था तो आई वॉज थिंकिंग उसमें नंबर मेरे अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा पेपर था. और मैं अपने टीचर के पास आई भी थी, उनसे पूछा भी था कि अब मैं क्या करूँ. तो उन्होंने कहा कि नहीं परेशान मत हो, पंजाबी में नंबर आ जाते हैं आपके, MCQs में अच्छे नंबर आएंगे. अगर आपने सवाल को है चार चार या पाँच पाँच पेज तक भी लिखा है तो आपके आ जाएंगे. मुझे उसमें शेयर कोड करने का मौका बहुत कम मिला था, क्योंकि सवाल ऐसे नहीं पूछे गए थे. तो मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि नंबर थोड़े आ जाएँ और जो इतने ज़्यादा शेयर मैंने याद किए हैं वो मैं लिख भी नहीं पाई. तो ऐसा नहीं होता. पंजाबी जो है वो बड़ा ही मज़े का जो है वो सब्जेक्ट है. मेरा इसमें इंटरेस्ट था शायरी में, तसव्वुफ़ में. इस चीज़ में जब आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ो इसको, ये बहुत मज़े का सब्जेक्ट है. मैं अपनी भतीजी को पढ़ा रही थी, शी इज़ इन 9th क्लास, और उसको मैं हार्ट पढ़ा रही थी बायो का. और उसी दौरान मेरी फ्रेंड की कॉल आई और उसने मुझे बताया इसमें बहुत मुबारक हो. तो बैक ऑफ द माइंड मेरी ये बात चल रही थी कि हाँ ऐसा कुछ हो गया ना, इसलिए वो मुबारकबाद दे रही. लेकिन मेरी फ्रेंड का नहीं हो सका, बट उसने मुझे बहुत मेरी खुशी में वो खुश थी और उसने इसको बड़ा इंजॉय किया मेरे साथ, और उसने मुझे पहले बताया और आई वाज़ वेरी हैप्पी. रिटर्न जब मेरा पास हुआ था आई वाज़ मोर हैप्पी. एलोकेशन में भी आई वाज़ हैप्पी, लेकिन ये कि रिटर्न जो है उसको पास करने की खुशी मुझे ज़्यादा थी. और फिर मैंने मेरी सिस्टर को बताया और मेरी सिस्टर को बता दिया, फिर सारे घर को पता लग गया. मैं खुद जाके सबको नहीं बताती, मैं सिर्फ अपनी सिस्टर को बता देती और वो पूरे घर में बता देती. तो ये एक चीज़ हुई थी मेरे साथ. तो ऑल वर वेरी हैप्पी, सारे बहुत ज़्यादा खुश थे. मेरे कज़न जो हैं वो मेरे तायबू के बेटे, वो मेरे से काफ़ी बड़े हैं और बड़े सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट. तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे. ही वॉज लाइक क्राइंग, बहुत रो रहे थे मेरे फादर को याद करके भी कि अगर वो यहाँ पर होते तो ऐसे होता तो वैसे होता. तो वो सारे बहुत खुश थे. और एलोकेशन जब हुई है तो तब भी खुशी की बात थी, मैं खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था. लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी हो जाएगी. जब आप थोड़ा बहुत, आपको पहले पता होता ना कि आपकी हो जाएगी, तो वो खुशी उस तरह से ज़्यादा फील नहीं होती. फील मुझे हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, इंटरव्यू अच्छा हुआ है, मेरा नंबर आ जाएंगे ऐसे में. अच्छा, मुझे लगता है कि अकेडमीज़ होती हैं, मेंटोर्स होते हैं और बेतहाशा किताबें भी मौजूद हैं. आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, यूट्यूब है, इंटरनेट है, तो नॉलेज की कमी नहीं होती है बिल्कुल भी. आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है. जो एक चीज़ आजकल की हमारी यूथ में और बाकी इस वक्त हमारी जनरेशन में थोड़ी है, कम मौजूद है, वो ये है कि उनका जो फेथ है ना वो बहुत थोड़ा होता है अपनी चीज़ों को लेकर, और अपने जिसे हम तवक्कल कहते हैं, मैं सिंपल इस वर्डिंग में कहूँगी. तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि देखें, जब तक आप कोई फैसला नहीं करते हैं तब तक आपके पास बेतहाशा रास्ते होते हैं, आप किसी भी रास्ते पर चले जाओ. लेकिन जब आप एक दफ़ा कोई फैसला कर लेते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, तो फिर आपने उसी रास्ते पर चलना होता है. और जब आप उस रास्ते पर चल रहे हो तो हाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको जो गोल है, जो मंजिल है, वो ना अचीव हो. वो मंजिल ही फिर आपका मुकद्दर होती है. तो ये उनको मैं कहूँगी. और जिनका नहीं हो सका, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि खुश रहो, क्योंकि अगर ये नसीब में नहीं था तो कुछ और होगा. अगर आप हार गए हो तो हो सकता है कि जीत किसी और के लिए ज़्यादा अहम हो. और अगर आप अभी भी इस चीज़ को चाहते हो तो दोबारा से इस चीज़ की तरफ लग जाओ, दोबारा से रास्ते की तरफ लग जाओ, तो वो चीज़ मिल जाती है. मेरा नोवा के साथ बहुत ही कमाल का, बड़ा ही मज़े का एक इंटरेक्शन रहा है थ्रू आउट. मैं अपने घर से जब आती थी तो 45 मिनट्स का जो है वो रास्ता होता था, तो मोटरवे के ज़रिए आती थी. तो जब मैं वापस आ जा रही होती थी तो वेलकम टू लाहौर लिखा होता था. तो आई वाज़, मुझे लगता था कि मैं शायद लाहौर से बाहर गई हूँ, लाहौर से फिर घर दोबारा लाहौर जा रही हूँ. तो लेकिन ये कि सफ़र बहुत ज़्यादा था. इसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने
कुछ सोच लिया है तो आप फिर सफ़र करने से घबराओ। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने अपने सफ़र में बहुत मज़ा उठाया, और साथ में ये है कि रास्ते में भी पढ़ते जाना और फिर अकेडमी जाके पीयर ग्रुपिंग बन गई थी, एक अकेडमी में इन्वायरमेंट भी ऐसा मिल जाता है कि आप बैठ के पढ़ सको, तो नो वन ऐसा इन्वायरमेंट दिया था। और रही बात टीचर्स की, तो सर अहमद ने बहुत हेल्प की थी, सर मंजर जावेद और सर इमरानुल हक, ये जितने भी टीचर्स थे, सर वकार थे और बाकी भी टीचर्स थे, शायद मैं नाम सबके ना ले सकूँ अभी, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की थी। इवन कि मैं इवेल्यूएशन करवा के उनकी जान छोड़ती होती थी, उनके ऊपर खड़ी रहती होती थी कि मेरी इवेल्यूएशन करो करो, और जब तक वो नहीं करते तब तक मैं उनकी जान नहीं छोड़ती थी। और एक और चीज़ कहूँगी कि देखें, मेंटोर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन असल में अगर आप डिटर्मिंड हैं तो मेंटोर को पता लग जाएगा कि आप डिटर्मिंड हैं, तो वो आपको उतना टाइम देंगे, आपके साथ उतने मुखलिस होके भी चलेंगे अगर आप मुखलिस हैं। तो नोवा में मुझे ये इन्वायरमेंट मिला था, और नोवा अगर इस तरह से देखा जाऊँ तो नोवा जो है वो एक फैमिली साबित हुई है मेरे लिए।